अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकीब अनवर और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स एंड ईडीयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों जिस भर्ती का आप इंतज़ार कर रहे थे पंजाब पुलिस में, वो वैकेंसी अनाउंस कर दी गई हैं। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, भर्ती के इश्तिहार मुझे मिल गया है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर है। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार होगा और इसके अलावा क्या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स होंगे, रिटन टेस्ट किस किस्म का होगा, तमाम अपडेट्स आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों फाइनली जो है वो इश्तिहार जारी हो गया है। पंजाब पुलिस स्टेशन असिस्टेंट सीनियर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट का इश्तिहार जो है जंग ई पेपर के अंदर जो है वो इसका इश्तिहार जारी हो चुका है। मतलब आज 13 अक्टूबर वाले दिन इसका इश्तिहार बाकायदा जो है वो जारी हो चुका है और ये लाहौर का एडिशन है जंग अखबार का। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पोस्टें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों इसके लिए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए 18 साल से लेकर 25 साल और इसके अलावा आप पंजाब का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इंटर इन कंप्यूटर साइंस, मतलब जिसके पास सिर्फ इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस ICS होगी सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा जी सीनियर स्टेशन असिस्टेंट 18 साल से लेकर 25 साल, इनके पास भी डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और ICS इनके पास हो और मुतल्लिका शोबे में इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 200 टोटल जो है वो असामी है इसके अंदर, 835 असामी है ऑल ओवर दी पंजाब। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो 2000 है और आपने अप्लाई करना है जी पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मतलब आपने जाने गूगल के ऊपर आपने लिखने वहाँ पे पंजाब पुलिस, जो पहला लिंक आएगा punjabpolice.gov.pk, तो आपने वहाँ पे जाके इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके साथ दोस्तों आपने जो टेस्ट की जो फ़ीस आपने जमा करानी है 2000 रुपये आपने जमा करानी है और 2000 रुपये जाके आपने पुलिस लाइन्स के अंदर ही इसकी जमा करवा देनी है। और इसमें जो इश्तिहार होने के बाद की जो है इसकी जो फ़ीस है 2000 रुपये फ़ीस है और आप 28 अक्टूबर तक आपके पास लास्ट डेट है। 28 अक्टूबर के बाद इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और तमाम उम्मीदवारान की कागजात की जांच पड़ताल के बाद कामयाब उम्मीदवार की लिस्टें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में अवैजा कर दी जाएंगी। और इसके अलावा पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी लगती हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट जो है इसकी हिस्ट्री लिस्टें वगैरह लगती हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके जो भी शेड्यूल आएगा, जो भी इसका रिटेंडेंस वगैरह, जो भी सारी अपडेट होंगी वो आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड EDU के ऊपर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मरी, तलगंग, कोट अदू, वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवार हैं अपने सबके अजला जिस तरह रावलपिंडी, चकवाल, मुजफ्फरगढ़ और गुजरांवाला की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से ही दरख्वास्त दे सकते हैं। और दोस्तों आपको बताता चलूँ इसके लिए किसी किस्म का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, सिंपली आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन में क्वालिफाई करेगा वो आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लेगा। और आपने इसके लिए जो तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है www.fasttyping.com। आपने यहाँ से अपनी तैयारी करनी है और इंग्लिश और उर्दू के लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उर्दू में आपके जो वर्ड्स हैं वो 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और इंग्लिश आपके 35 पर वर्ड मिनट आपके होने चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर फैमिली क्लेम भी है और शहीद कोटा भी है, तो आप अपने शहीद कोटा और फैमिली क्लेम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए स्पेशल जो है उन्होंने कोटा रखा हुआ है। और दोस्तों इश्तिहार ये जो इश्तिहार है ये सूबाई कबीना पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से जारी किया जा रहा है। तो वो जो दोस्त कह रहे थे कि ये अभी निगरान हुकूमत चल रही है, इश्तिहार नहीं निकाल सकती, तो दोस्तों आप एंड में देख सकते हैं कि बाकायदा जो है वो लिखा हुआ इश्तिहार बजरिया मंजूरी सूबाई कबीना पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जारी किया जा रहा है। अब बात करें आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, तो दोस्तों बहुत सिंपल है। आपने इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसके साथ नीचे एक चेक लिस्ट लगी होगी जिसके अंदर तमाम जो है वो चीज़ें बताई गई होंगी कि आपने किस तरीके से ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, फिर आपने अपने मुतल्लिका पुलिस लाइन्स चले जाना है। 2000 रुपये आपने 2000 रुपये कैश आपने देना है और ये डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवा देने हैं। फिर उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल्स वगैरह की जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।